फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आज की हमारी रेसिपी व्रत के लिए मतलब उपवास के लिए है। उपवास में हम साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, तो उसके बाद तीखा खाने के बाद हमारा मन कुछ मीठा खाने के लिए होता है, तो चलिए फिर कुछ मीठा हो जाए। ऐसी आज की हमारी रेसिपी है, जो शक्करकंद रहते हैं उसके गुलाब जाम। शक्करकंद को रतालू भी कहते हैं और स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शक्करकंद के गुलाब जाम। इसके लिए हमने 1.5 शक्करकंद लिया है और इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। एक कटोरी शक्कर ली है, 100 ग्राम मिल्क पाउडर, इसको हम जितना लगेगा उतना ही यूज़ करेंगे। थोड़ी सी खड़ी शक्कर ली है, इलायची पाउडर, नमक और गुलाब जाम फ्राई करने के लिए घी लिया है। इसका हमने छिलका निकाल लिया है, अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस शक्करकंद में बी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जिससे हमारा ब्लड शुगर का लेवल जो है कंट्रोल में रहता है। और जिनको ब्रोंकाइटिस है, अल्सर है, एसिडिटी है, उनके लिए भी शक्करकंद बहुत ही फायदेमंद है। इसे कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम मिल्क पाउडर, अब जितना चाहिए उतना ही मिल्क पाउडर हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम 100 ग्राम जो मिल्क पाउडर लिया था सब डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन जो लोग व्रत में नमक नहीं खाते हैं वो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन नमक से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। हाथ को हमने घी लगा लिया है और इस तरह से हम इसका गोला बनाएंगे। देखिए हमारा मिश्रण जो है एकदम सॉफ्ट बन गया है। इसमें हम ये जो खड़ी शक्कर हमने ली थी इसको इसे बीच में रखेंगे और इसको बंद करके फिर से इस तरह से सॉफ्ट गोला हम बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे गोले बना लेंगे। हमारे सारे गोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे और इसकी चाशनी भी बनाने के लिए रखेंगे। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे और चाशनी हम पैन में बनाएंगे। एक कटोरी शक्कर और उसमें एक कटोरी पानी डालेंगे, मतलब जितनी शक्कर ली है उतना ही हम पानी डालेंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। पैन में चाशनी जल्दी बनती है। देखिए इसे और हम सिर्फ 1 मिनट तक रखेंगे और ये हमारी जो चाशनी है ये थोड़ी सी चिपचिपी चाहिए। देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा तार आ रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची और गैस बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रखेंगे। हमने घी गरम करने के लिए रख दिया है। घी ठंडा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गरम भी नहीं। आप घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग व्रत के लिए तेल नहीं खाते हैं, इसलिए हमने आज घी का इस्तेमाल किया है। देखते हैं घी गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ, हो गया है। इसमें हम
इस तरह से सारे बॉल डाल देंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी इसके ऊपर डालेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। देखिए एकदम इसका ब्राउन कलर आना चाहिए, इसकी खुशबू भी बहुत ही मस्त आ रही है। इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी के गुलाब जाम भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये भी गुलाब जाम हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसे देखिए हमने चाशनी बना के रखी थी, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। चाशनी गर्म हो गई है, इसमें हम सारे जामुन डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया जामुन तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। इसे हम एक मिनट तक रखेंगे। बढ़िया, एक मिनट हो चुका है। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे 10 मिनट तक ढककर रखेंगे। बस इसी तरह से हम इसे 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। इसे देखते हैं कट करके। देखिए कितने सॉफ्ट अंदर से भी और बहुत ही बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए। देखिए अंदर से भी कितने बढ़िया बन गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी शक्करकंद के गुलाब जाम बनकर तैयार है और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।